जनपद में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी 1 मार्च की शाम तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची फाइनल हो गई है। अब कोई भी प्रत्याशी किसी तरह की सभा रैली का परमिशन अपने आरओ से लेकर कर सकता है। उन्होंने बताया कि परमिशन ऑनलाइन सुविधा ऐप से कर सकता है और ऑनलाइन ही परमिशन मिल जाएगा तथा सभी प्रत्याशी 1 मार्च की शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, आज 3 बजे के बाद लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट अर्थात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची फाइनल हो गई है। अब किसी भी व्यक्ति को अपना कोई भी रैली करनी है या सभा करनी है या किसी प्रकार की जो अनुमन्यता है, भारत निर्वाचन आयोग का 13 फरवरी का एक पत्र है जो मीडिया से शेयर भी है, तो उसके संबंध में वो अपने आरओ से ही उसकी परमिशन मांगेंगे। उसके लिए सुविधा ऐप है, वो चाहे तो ऑनलाइन सुविधा ऐप से अप्लाई कर दें और उनको ऑनलाइन ही परमिशन प्राप्त हो जाएगी। सर, कितने तारीख तक ये लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं? प्रचार प्रसार के लिए भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, नाम जो मतदान है 3 मार्च को मतदान है, उसके 48 आवर्स के पहले प्रचार समाप्त हो जाता है।